हेलो गाइस। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको, ये आप मेरे पीछे मशीन देख रहे हैं, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, इसको बोलते हैं हम सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में बताऊंगा कि इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस काम की आती है, किस तरह से हम ये वर्क करती है मशीन। ये सारा कुछ आज मैं इस सरफेस ग्राइंडर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप सरफेस ग्राइंडर के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस कमाल की वीडियो के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो ये सरफेस ग्राइंडर है, ये मशीन है, ये क्या होती है, क्या इसके पार्ट्स के नाम है और किस तरह से ये काम करती है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये मशीन पूरी दिखा देता हूँ कि किस तरह की मशीन है और हम किस तरह से इसके क्या क्या, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स के नाम होते हैं, सभी कुछ ऊपर से नीचे तक सब कुछ क्या चीज़ है इसमें, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मशीन दिखा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं सरफेस ग्राइंडर, यानी जिस भी कंपोनेंट की अगर हमें किसी भी पार्ट्स की सरफेस को फिनिशिंग करना है तो इस सरफेस ग्राइंडर की हेल्प से हम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सरफेस ग्राइंडर। चलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम को समझते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसके बात करते हैं, सबसे ऊपर हमारा जो ये है, ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्क्रू। ये जो हमारा है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्क्रू। जो सबसे ऊपर आपने देखा है, इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रू। उसके बाद ये जो व्हील देख रहे हैं आप हमारा यहाँ से, ये जो व्हील है इसको वर्टिकल फीड, यानी वर्टिकल फीड देने के लिए व्हील को जो हम वर्टिकल ऊपर नीचे करते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल फीड व्हील। और यहाँ पर आप यहाँ से इसके ये स्क्रू देख रहे हैं, इसे हम इसके व्हील को यहाँ से रोक सकते हैं, यहाँ से अगर हमें वहीं पर फिक्स करना है तो वहाँ से इसे फिक्स कर सकते हैं। साथ में आपने यहाँ पर दो ये भी देख रहे हैं, ये है हमारा इसके लुब्रिकेशन के लिए, इसमें हम अगर हमें लुब्रिकेशन करना है, ऑयलिंग बीच बीच में करनी चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर साइड हर जगह हमें पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ से हम लुब्रिकेशन ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये इसका है स्टार्टर, यहाँ से हम इसको ऑन और ऑफ़ करते हैं। किस तरह से देखिए, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो व्हील चलने लगा, तो ये है इसका ऑन और ऑफ बटन, ये इसका स्टार्टर हो गया। इसके बाद ये हमारा है वर्टिकल, यहाँ से देखेंगे अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा वर्टिकल कलर कवर है, जो वर्टिकल बॉडी है उसका कवर है ये, और यहाँ से इस व्हील को, ये हमारा जैसे हम व्हील को करेंगे तो ये व्हील हमारा ऊपर और नीचे, यानी वर्टिकल फीड व्हील का पूरा अटैचमेंट है यहाँ पर। ये है हमारा इसका व्हील कवर, इसको बोलते हैं हम व्हील कवर, यानी जो हमारा जो व्हील है इसका जो कवर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये व्हील कवर लगाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारा इसका सरफेस ग्राइंडिंग व्हील, देख सकते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं सरफेस ग्राइंडिंग व्हील। उसके बाद मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा इसका बेड, मैग्नेटिक बेड, इसमें मैग्नेट होती है, जैसे ही हम कोई कंपोनेंट अगर इस पर रखते हैं तो ये मैग्नेट को हमें ऑन करना होगा और ये मैग्नेट इसको फिक्स कर लेती है, तो ये मैग्नेटिक बेड होता है इस पर। यहाँ पर हमने दोनों साइड से इसको क्लैंप किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये इसके मैग्नेटिक कवर्स भी, मैग्नेटिक बेड के कवर्स हैं ये हमारा, ये अगर ये बात करें ये, और दोनों साइड देखेंगे वहाँ ये डस्ट कवर हैं दोनों के दोनों, ये मैग्नेटिक बेड के कवर्स हैं ये साइड से। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये मैग्नेटिक व्हील, जो हमारा मैग्नेटिक बेड है उसका व्हील है ये। देखिए जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखिए ये मैग्नेटिक बेड व्हील है, मैग्नेटिक जो बेड है उसको आगे लेफ्ट और राइट रोटेट करने के लिए। ये हमारा यहाँ पर देखेंगे एक और स्लाइड है ये, इसको बोलते हैं हम क्रॉस फीड स्लाइड, यानी अगर हमें यहाँ से इसको बेड को आगे और पीछे ले, इधर साइड आप और डाउन अगर आगे पीछे करना है, तो इसके लिए हम ये जैसे लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड होती है, उसी तरह से ये क्रॉस स्लाइड व्हील है आगे पीछे करने के लिए। यहाँ पर ये इसकी पूरी की पूरी क्रॉस स्लाइड है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वहाँ से वो टूल बॉक्स है इसका, कोई अगर हमें टूल्स वगैरह हैं उनको रखने के लिए नीचे टूल बॉक्स है, और साइड से ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी है, देख सकते हैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये इस पूरी की पूरी बॉडी और ये हमारा इसका टूल बॉक्स, यहाँ पर हम कुछ भी टूल्स इसके अंदर खोल के रख सकते हैं, तो ये है हमारा इसका टूल बॉक्स। तो ये सभी के सभी इसके पार्ट्स के नाम हो गए कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। अब दिखाता हूँ मैं ये वर्क कैसे करता है, किस तरह से। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ये किस काम आता है हमारा। कोई भी कंपोनेंट हम बनाते हैं, कोई डाई की प्लेट्स वगैरह कुछ भी बना रहे हैं हम, तो उनको काम करने के बनाने के बाद उनको फिनिशिंग करनी होती है। जो सरफेस की जो फिनिशिंग करते हैं, तो सरफेस की फिनिशिंग के लिए हमें इस तरह के सरफेस ग्राइंडर का
प्रयोग करना चाहिए करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये सरफेस ग्राइंडर का यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम सरफेस ग्राइंडर का यूज करते हैं, किस तरह से मैग्नेट को ऑन करके दिखाता हूँ। एक छोटा पीस लेते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये कोई वर्क पीस है, यहाँ से देख सकते हैं इसकी हमें ये सरफेस को फिनिशिंग करना है। देख सकते हैं आप, ये डस्ट लगी हुई, तो हमें इसको फिनिशिंग करना है, सरफेस की फिनिश करना है कोई भी। तो उसको क्या करते हैं, हमें इसको रखना होगा यहाँ पर इस तरह से, और ये जो मैग्नेट का जो व्हील है इसका, इसको ऑन करना होगा। जैसे ही हम इसके मैग्नेट को ऑन करते हैं तो देखिए बिल्कुल ये हिल नहीं रहा है, फिक्स हो गया। अब हम सबसे पहले जब भी हमें काम करना है सरफेस ग्राइंडर पे, तो ये चेक कर लेना है कि हमारी मैग्नेट ऑन है या ऑफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हमेशा, क्योंकि यहाँ पर काम करते हैं हमें पूरी पीपीसी पूरी सेफ्टी का यूज़ करना है, आँखों पे चश्मे होने चाहिए, तो सभी चीज़ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूर रखनी है। तो सेफ्टी रीजन से हमें ये चेक कर लेना चाहिए जो हमारी मैग्नेट सही है या नहीं है। जैसे मैं इसको मैग्नेट को ऑफ करते हैं, जैसे ही हम देखिए, जैसे ही मैं मैग्नेट को ऑफ करता हूँ और आपका ये पीस आ गया है। अब इसको हमें रखना कैसे होता है, तो रखने के लिए सबसे पहला होता है हमारा, यहाँ पर हम ट्राई स्क्वायर वगैरह लगा के इसको बिल्कुल स्ट्रेट, यानी ऐसा नहीं हम तिरछा रख देंगे फिर उस तरह, मतलब आप रख सकते हैं जैसा आपको काम करना है उस हिसाब से, लेकिन तरीका यही होता है कि आप बिल्कुल इसको सीधा रखिए, जिससे कि हमें नहीं, तो अगर हम इसको तिरछा रख देंगे तो व्हील यहाँ से टच करेगा, इधर टीच नहीं करेगा, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हमें सामने आएंगी। अगर हमें पूरा करना है तो यहाँ से ट्राई स्क्वायर लगा के और बिल्कुल अच्छे से इसको फिट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने फिट कर लिया और उसके बाद हम इसके मैग्नेट को ऑन करेंगे इस तरह से हम मैग्नेट को ऑन कर दिया और ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल फिक्स है, देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसके बाद अब ये देखिए, आप यहाँ से हमें कट लगाते हैं, आप यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा व्हील है, इससे हमारा ये जो व्हील है वो अप और डाउन नीचे की तरफ आएगा कट लगाने के लिए, कि कितना माइक्रोन्स का कट लगाना है। तो अगर हम इसकी माइक्रोन्स की एक्यूरेसी की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो व्हील है, यहाँ पर जो लाइंस बनी हुई हैं, ये सब एक जो लाइन है वो 10 माइक्रोन्स की, यानी जो हमें ये एक्यूरेसी देता है हमारा ये सरफेस ग्राइंडर, 10 माइक्रोन्स की एक्यूरेसी से कट कर सकता है, 10 माइक्रोन्स की एक्यूरेसी से हमारी वर्क जो सरफेस है उसको फिनिशिंग करता है 10 माइक्रोन्स का, यानी एक कट जो है, एक लाइन से आप देख सकते हैं वहाँ से, जो एक लाइन है इसकी वो 10 माइक्रोन्स की है। तो एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ नीचे तक और फिर उसके बाद मैं आपको कट लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने वर्टिकल जो व्हील है हमारा, उसकी हेल्प से मैंने व्हील को हमारे वर्कपीस के क्लोज मैंने ला दिया है। अब इसको हम ऑन करके हल्का सा टच करके देख लेंगे कि कहाँ से टच हो रहा है, और जो मैंने ये वाला व्हील बताया था मैग्नेटिक जो बेड है उसकी जो स्लाइडिंग व्हील है वो इस तरह से इसको स्लाइड करने के लिए, और ये हमारा क्रॉस इसको आगे पीछे करने के लिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो मैं एक बार इसको मशीन को ऑन करते हैं एक बार हम, तो देखिए मशीन हमारी ऑन हो गई, व्हील चलने लगा है। मैं एक हल्का सा कट लगा लेता हूँ। तो गाइस, मैंने इस पर जो है एक हल्का सा लाइट 20 माइक्रोन्स का कट ले लिया है, और उसके बाद मैं अब इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इस तरह से क्रॉस लाइट से इसको आगे की तरफ लेके आना है, और कुछ देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये जो सरफेस ग्राइंडर है ये मैनुअल है, और अभी हम उसको ऑटोमेटिक भी आते हैं, हम ऑटो फीड पे जो काम करते हैं, एक बार ऑटो डाल देते हैं उसमें, फीड कर देते हैं और उसके बाद फिर वो वर्क करते रहते हैं। तो ये मैनुअल है, तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसकी सरफेस को फिनिश कर रहे हैं। मैं एक बार पूरा कट लगा देता हूँ फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कि मैंने ये अपना कट पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद मैं इसको पीछे से कर देते हैं, पूरा वापस लेके चलते हैं। और अब हम चेक करने से पहले हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है, हमें मशीन को ऑफ ज़रूर कर लेना है, उसके बाद ही हम इस जो वर्कपीस है उसको टच करना है। जब तक हमारी जो मशीन का व्हील है वो बंद नहीं होगा, हमें वर्कपीस को टच नहीं करना है। तो जैसा कि अभी हमारी मशीन का जो वर्कपीस का जो व्हील है वो स्टॉप हो गया है, अब हम इसको पीस को उठा सकते हैं। तो मैग्नेट क्या करेंगे, हमारा ये मैग्नेट है, मैग्नेट लीवर को ऑफ करेंगे और यहाँ से देखिए वर्कपीस हमारा आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए मैंने हटा लिया है, और देखिए कितनी अच्छी सरफेस की स्मूथ फिनिशिंग आई है। मैंने हल्का सा ये 20 माइक्रोन्स का ही कट लिया था, तो कुछ इसी तरह से आई है, जैसे ही हम कट को बढ़ाते जाएंगे और ये साइड में भी पूरा फिनिशिंग होती जाएगी। तो इस तरह से जब हमें किसी कंपोनेंट की फिनिशिंग करनी होती है तो इस तरह से हम इस सरफेस ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, और कोई भी कंपोनेंट है उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। सरफेस फिनिशिंग करने के लिए इस सरफेस ग्राइंडर का यूज़
किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। सरफेस ग्राइंडर से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे होंगे सभी क्रैक किए होंगे आज की हमने इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना तो ना ही भूलिएगा, और कोई कमेंट कोई क्वेरी है मुझे सरफेस ग्राइंडर को लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।